हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 और सीजन 5 की कुछ डिटेल्स के बारे में। जी हां, स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 की भी अनाउंसमेंट एक हिसाब से इस सीरीज के राइटर डफर ब्रदर्स ने कर दी है। तो चलिए अब उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, ताकि आपके भी डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाए स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 को लेकर। जी हां, फिलहाल तो फैंस सीजन 4 के पीछे ही पड़े हुए हैं कि उन्हें स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 कब तक देखने मिलेगा। तो अब उन डिटेल्स में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली और अच्छी बात ये कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 की भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। यानी देखा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में सीजन 4 इसका आखिरी सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट इस सीरीज के राइटर डफर ब्रदर्स ने ये भी बताया है कि उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स को एंड करने की प्लानिंग स्टार्ट से ही कर रखी थी, और उन्हें पता था कि किस तरीके से इस पूरी के पूरी सीरीज को शुरू करना है और कैसे खत्म। और देखा जाए तो जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी स्ट्रेंजर थिंग्स की नेटफ्लिक्स पर है, उससे तो एक बात साफ है कि नेटफ्लिक्स जल्द ही सीरीज को पूरी तरीके से द एंड पर बिल्कुल भी नहीं डालेगा, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट में पैसे किसे नहीं पसंद, जो नेटफ्लिक्स को इस शो से डेफिनेटली मिलता ही है। इसलिए नेटफ्लिक्स की तरफ से स्ट्रेंजर थिंग्स की सीजन को हर बार बजट के मामले में बढ़ाया ही गया है, और ये बजट डेफिनेटली जैसे जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन और आगे बढ़ते रहेंगे तो बढ़ता चला ही जाएगा, खास करके इसके VFX डिपार्टमेंट में, जिसे सीजन 3 में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया था। बट अभी के लिए तो कंफर्मेशन सिर्फ 5 सीजन तक की ही की गई है। और अब आते हैं इसकी प्रोडक्शन की डिटेल पर, कि एक्चुअल में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 कब तक देखने मिलेगा। वेल, देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि अगर इसके प्रोडक्शन को टाइम पर शुरू नहीं किया गया, जो कि अगेन डफर ब्रदर्स ने बताया है कि अब तक शुरू नहीं हुआ है, तो इससे एक बात साफ है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 को देखने के लिए फैंस को और लंबा वेट करना होगा, जो वेट मेरे हिसाब से तो फैंस को लगभग 2022 तक तो ले ही जाएगा। जी हां, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रोडक्शन को काफी जल्दी ग्रीन लाइट मिलेगी, और अगर मिल भी जाती है इस साल के एंड तक, तो सीजन 4 2022 के पहले तो रिलीज नहीं किया जाएगा। और अगर उसके रीजन की बात करें तो ऑब्वियसली रीजन है शो के बजट का बढ़ना, और शायद इसके VFX डिपार्टमेंट का भी, जिसे करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, जो कि स्टूडियो इस शो को देगा ही। और अगर सिचुएशन कोविड की हट जाती है तो सीजन 5 की उम्मीद फिर 2024 के पहले की तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके सीजन 4 के प्रोडक्शन को इसलिए शुरू नहीं किया जा रहा होगा कि नेटफ्लिक्स यहां पर एक बजट के चलते सीजन 4 और सीजन 5 को बैक टू बैक शूट कर ले, जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात होगी अगर ऐसा होगा तो, और सीजन 5 हमें इसके टाइम से पहले देखने मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ एक ही साल के गैप में। इससे स्टूडियो के भी पैसे काफी सारे बच जाएंगे, और सारे के सारे कास्ट की एज भी, जो इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। लेकिन फैंस को उन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 3 तक को देखो तो यहाँ पर एज का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, और वही चीज इसके बाकी के सीजन में भी बहुत ज्यादा ध्यान दी जाएगी, क्योंकि एज के चलते स्टोरीज में जो भी प्लॉट पॉइंट लिखे गए होंगे बच्चों को ध्यान में रखकर उन्हें मैच्योरिटी पर लाकर कुछ क्रिएटिव करना होता है, जिसे हमने इसके तीनों सीजन में देखा है। और सभी के मुकाबले में सीजन 3 सच में बहुत ही ज्यादा अलग बनाया गया था, जो 80s के रेफरेंस से भरा हुआ था। लेकिन अब इस बार की सिचुएशन स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में बिल्कुल सेम तो नहीं रहेगी, जिसकी कंफर्मेशन खुद इसके सीजन 4 का टीजर भी करता है, जो कि सीधे सीधे यही कहता है कि सीजन 4 इस बार फोकस हॉकिंस में नहीं करने वाला, जिसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अब इन सभी के सभी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 को लेकर जो रिलीजिंग ईयर सेट किया गया है वो सही है या फिर गलत। और इसके अलावा सीजन 5 को भी लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इससे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।